संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि उनगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक नहीं होगी। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तहसीन हुसैन ने शनिवार को कहा कि देश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने 57 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यूनुस के लिए वहाँ पहुँचने से पहले न्यूयॉर्क से निकल जाएंगे। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मामलों के सलाहकार ने आगे कहा कि वो संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से इधर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने सभी मुद्दों को सुलझाकर हम आपसी सम्मान और निष्पक्षता के साथ आधार पर भारत के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। हुसैन ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ढाका से रवाना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हुसैन से मीडिया से पूछा गया कि अंतरिम सरकार की ओर से दिए गए बयानों के कारण भारत पीएम के साथ बैठक नहीं हो पाई, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शीर्ष भारतीय नेताओं ने टिप्पणियां भी की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो नेताओं को मीटिंग करने से रोके। हुसैन ने कहा कि टिप्पणियों का पसंद नापसंद कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, लेकिन आपसी तालमेल और अच्छे संबंधों के साथ रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि क्वाडा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले प्रमुख ग्रुप के रूप में उभरा है। क्वाडा में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम अपनी इस यात्रा के दौरान डेलावेयर के विल्मिंगटन क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसकी मेज़बानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इसके बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम में भी संबोधित करेंगे। इसके इधर अमेरिकी में बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ भी मीटिंग करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें आई थीं कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन पड़ोसी मुल्क के विदेशी मामलों में साल जाकर स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश पिछले कुछ महीनों से बड़े उथल पुथल से गुजर रहा है। शेख हसीना सरकार से तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर इंडिया।